हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिना लहसुन प्याज के और बिना छोले को उबाले हुए सीधे कुकर में चने बनाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सफ़ेद चने रात को ही भिगोकर रख दिए थे। रात भर भीगे हुए चने अच्छे से फूल जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च लिए हैं। इनको एक मिक्सी के जार में काट कर डाल लेंगे और आप चाहो तो चने को 2-3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर भी रख सकते हो, तब भी चने अच्छे से फूल जाएंगे। और यहाँ पर मैं टमाटर को रफली काट लेती हूँ मिक्सी के जार में। उसके बाद हम इसमें 3 मिर्ची डालेंगे हरी और अदरक का टुकड़ा। सभी चीज़ों को पीसकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 1 कप पानी डालेंगे और साथ में ही 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और उसको 2-3 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूसरी साइड हम एक कुकर लेंगे और उसमें 3-4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने दें। तेल गरम होने पर 1 चम्मच इसमें साबुत जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 चक्र फूल डालेंगे, 2 लौंग, 4-5 साबुत काली मिर्च डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 2 छोटी वाली हरी इलायची डालेंगे और सभी खड़े मसालों को मिक्स करते हुए 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से भूनेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, अगर है तो ज़रूर डालें। अब हम उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और उसके बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। टमाटर हमारे भून गए और हल्का सा तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसके बाद हम 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। सभी को मिक्स करने के बाद जो हमारे भीगे हुए चने थे उनका पानी निकाल देंगे और चने को कुकर में डालेंगे और जो मिक्सी के जार में हमने पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसको डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने चाय का पानी उबाला था उसको छानकर डाल लेंगे। चाय का पानी डालने से छोले में बहुत अच्छा कलर आता है। आप चाहो तो टी बैग भी डाल सकते हो या कपड़े में चाय पत्ती का पाउडर डाल के वो भी डाल सकते हो। इसके बाद हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से चने बहुत अच्छे से पक जाएंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लगाने के बाद 5 मिनट तक इसको स्लो गैस पर पकने देंगे। 2 सीटी इसमें आ चुकी है। अब हम गैस को कम कर देंगे और कम आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इन वाले छोले में ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते और ये वाले छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 5 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलकर देख लेंगे और देखो कितने अच्छे छोले बने और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बिना उबाले हुए ही इतने टेस्टी छोले बनते हैं कि सभी को पसंद आएंगे। छोले को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने 1 बड़े चम्मच में घी और थोड़ा सा बटर मिक्स किया है। दोनों को अच्छे से मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें लंबे लंबे अदरक के टुकड़े कटे हुए डालेंगे। 2 हरी मिर्च को बीच में से काट कर डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए अदरक और मिर्ची को अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम छोले के ऊपर तड़के को डाल देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन्हें पूरी, चावल भटूरे और रोटी के साथ खा सकते हो। मेरी रेसिपी को देखने के लिए धन्यवाद।